सो हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोनी तेजस एससी में इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर से जुड़ी हुई एक और नई अपडेट के साथ। सो आपके जो भी एमएएमएससी एमकॉम के एडमिशन स्टार्ट होने हैं, यानी पीजी के जो भी आपके एडमिशन स्टार्ट होने हैं, उनका आपका शेड्यूल आ गया है। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स के मन में डाउट है कि उनका एंट्रेंस टेस्ट कैसे होगा, लास्ट डेट क्या होने वाली है फॉर्म की, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, मेरिट लिस्ट कैसे लगेगी, तो उन सब की बात हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो के मेन टॉपिक्स की बात करें तो आज की हमारी वीडियो की मेन टॉपिक्स है एडमिशन डेट्स क्या होने वाली है, किन किन कोर्स के एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं, उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, एंट्रेंस टेस्ट की एग्जाम डेट क्या होगी, उसके बाद एंट्रेंस टेस्ट में क्या क्या आएगा, एंट्रेंस टेस्ट कितने नंबर का होगा, मेरिट लिस्ट कब लगेगी, कोर्स की फीस कितनी है, और उसी के साथ लास्ट आपका डाउट है कि क्लासेज कब से स्टार्ट होने वाली है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो अपडेट टाइम से मिल सके। तो आपके जो ये कोर्सेज हैं इनके आपके एडमिशन है वो स्टार्ट होने वाले हैं, जो भी कोर्सेज दिखाए गए हैं एमएमएससी एमकॉम के, उसके बाद जो भी आपके एडमिशन की डेट्स होने वाली है वो आपके रजिस्ट्रेशन 3/6/2023 से स्टार्ट होकर 28/6/2023 तक चलने वाले हैं। इसके अलावा आपके एमकॉम 5 ईयर का जो ऑनर्स का कोर्स है उसके एडमिशन डेट्स कुछ इस प्रकार से होने वाली है। इसके अलावा आप बात करें कोर्सेज कौन कौन से हैं तो वो तो आपके हो गए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है या फिर आपके जो भी डाउट है वो आपकी इस वीडियो देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे। अगर वीडियो में आपको कोई भी डाउट रह जाता है या फिर कोई भी आपकी क्वारी है एडमिशन से रिलेटेड तो वो आप इन नंबर्स पे कॉल करके पूछ सकते हैं। ये आप आईजू का हेल्पलाइन नंबर है ऑफिशियल, इन पर आप कॉल करेंगे तो कॉल आपकी जरूर अटेंड होगी और आपके जो 2023-24 के एडमिशन होने हैं उनके लिए बात करें आपके जितने भी डाउट्स हैं वो इस वीडियो को देखने के बाद लगभग क्लियर हो जाएंगे। प्रोग्राम्स की बात करें तो कुछ इस प्रकार से आपके प्रोग्राम होने वाले हैं, प्रोग्राम आफ्टर ग्रेजुएशन और प्रोग्राम आफ्टर 12th एंड डिप्लोमा, तो ये आप इनको देख सकते हैं। अगर बात करें कंप्लीट नोटिस के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में नोटिस का लिंक मिल जाएगा। ये आपके कुछ हेल्पलाइन होने वाली है जिन पे आप मेल कर सकते हैं, ये आपके चेयरपर्सन है, डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट वाइज आपके चेयरपर्सन है जो सिलेक्ट हुए हैं, इनमें आप ये भी देख सकते हैं। हम तो मेन टॉपिक्स की बात कर रहे थे, उनके बारे में बात करने वाले हैं। ये आपके ऑफिसर्स हैं जो यूनिवर्सिटी के हैं, उनकी आपकी मेल आईडी दी गई है। अब बात करने वाले हमारी जो भी डिटेल्स होने वाली है टीचिंग डिपार्टमेंट्स को लेकर उनके बारे में, तो कुछ इस प्रकार से आज की हमारी वीडियो स्टार्ट है। प्रोग्राम ऑफर्ड इन यूटीडी ड्यूरेशन जो आपके होने वाले हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसकी बात करने वाले हैं। तो एमकॉम के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये होनी चाहिए एमकॉम के लिए, आपको अगर एमकॉम में एडमिशन लेना है तो कुछ इस प्रकार से। उसके बाद आपका एंट्रेंस टेस्ट के बेस पे आपका एडमिशन होने वाला है, 2 साल का आपका ये एमकॉम का कोर्स है। उसके बाद बात करें एमकॉम ऑनर्स 5 ईयर की, ये आपका 5 साल का कोर्स है, इनमें आपका अकेडमिक मेरिट लिस्ट लगेगी, इसमें आपका एंट्रेंस टेस्ट नहीं होने वाला, जो आपका 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है इसके बारे में बात हम कर रहे थे। एमबीए की बात करें एमबीए में आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा, 2 साल का आपका कोर्स है, ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। उसके बाद आपका बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट 4 ईयर का आपका कोर्स है, एकेडमिक मेरिट लिस्ट के बिहाफ पे आपका जो है एडमिशन होगा और ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए। उसके बाद आपकी ये फैसिलिटी ऑफ ह्यूमैनिटीज की आ गई, इसमें आपके एमए इंग्लिश 2 साल का आपका कोर्स है, एंट्रेंस टेस्ट के बेस पे आपके एडमिशन होने वाले हैं। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी एमए हिंदी का 2 साल का आपका कोर्स है, एंट्रेंस टेस्ट आपका इस प्रकार से होने वाला है, ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और एंट्रेंस टेस्ट के बिहाफ पे आपका टेस्ट होगा। बात करें इंस्टेंस टेस्ट कब होगा मेरिट लिस्ट, तो उनकी वीडियो में हम आगे चल के बात करने वाले हैं। इसके बाद आपका एमएससी मैथमेटिक्स हो गया, एंट्रेंस टेस्ट तो इसके लिए होगा, एमएससी मैथमेटिक्स विद कंप्यूटर साइंस इसके लिए भी एडमिशन आपका एंट्रेंस बेस पे होगा, एमएससी फिजिक्स, उसके बाद एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी जूलॉजी, एमएससी बोटनी, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, एमए हिंदी, एमए हिस्ट्री, एमए इकोनॉमिक्स, एमए जो आपका पॉलिटिकल साइंस है पॉलिटिकल साइंस, मास्टर ऑफ सोशल वर्क, ये आपका 2 साल का कोर्स होता है, एमए योगा, इसमें भी आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा, 2 साल का आपका कोर्स होने वाला है। उसके अलावा प्रोग्राम नेम में आपका है एमएससी ज्योग्राफी, 2 साल का आपका कोर्स है, एमएससी एनवायरनमेंट साइंस जो आपका 2 साल का कोर्स है ये भी एंट्रेंस टेस्ट के बेस पे होगा, एलएलबी एंट्रेंस टेस्ट के बेस पे होगा। उसके बाद बी फार्मेसी, ये आपका 4 साल का कोर्स होने वाला है, बी फार्मेसी 2 ईयर का, ये आपका इसमें 2 ईयर लेट दिखा रखा है, ये आपका ड्यूरेशन इसका 3 ईयर होने वाला है। इसके बाद आपका बी टेक हो गया, उसके बाद बी टेक सीएससी हो गया, उसके बाद एमसी हो गया, एमएससी साइकोलॉजी हो गया, तो कुछ इस प्रकार से आपके कोर्स होने वाले हैं जिनके लिए
आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा और कुछ दो एक दो तीन कोर्स ऐसे हैं जिनमें आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी। तो लगभग का आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा। ये आपके रिजर्वेशन पॉलिसी आ गई, ये भी आप रीड कर सकते हो। रिजर्वेशन पॉलिसी क्या कुछ होने वाली है, EWS के लिए 10% ऑल ओपन कोटा मिलेगा, उसके बाद स्टेट कोटा 85% कुछ इस प्रकार से आपकी बता रखी है। और ये आपकी सीट्स हो गई, किस डिपार्टमेंट में कितनी सीट्स हैं, ये आप इसको रीड कर सकते हो। जो भी आपकी नंबर ऑफ सीट्स हैं कुछ इस प्रकार से बताई गई हैं, और ये आपका प्रोग्राम बताए गए हैं किस प्रोग्राम में कितनी कोर्स हैं, कि आपकी सीट होने वाली है। अगर बात करें आपके लिए इंट्रेंस टेस्ट क्या होगा, सबसे पहले एडमिशन शेड्यूल की हमने बात कर ली थी, एडमिशन शेड्यूल कुछ इस प्रकार से होने वाला था। अब बात करें इंट्रेंस टेस्ट आपका जो लिया जाएगा, इंट्रेंस टेस्ट उसकी डेट्स क्या होने वाली है, तो डेट्स ऑफ इंट्रेंस टेस्ट कुछ इस प्रकार से है। LLB के आपकी 4 तारीख को होगा LLB का, MBA, MCA और MA हिस्ट्री, उसके बाद 5 तारीख को आपका होगा MSc जो आपका मैथमेटिक्स है, 5 जुलाई को होगा ये आपकी जो भी इंट्रेंस टेस्ट होनी है आपकी जुलाई में होने हैं। उसके बाद 6 जुलाई का MSc बॉटनी, जूलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, MA इकोनॉमिक्स और केमिस्ट्री और MSc साइकोलॉजी, ये आपका 6 तारीख को होगा। उसके बाद 7 जुलाई को आपका होगा MA इंग्लिश, MA ज्योग्राफी, MA योगा और MA हिंदी। उसके बाद आपका जो रिजल्ट डिक्लेयर होंगे वो आपके 10/7/2023 को जो है आने स्टार्ट हो जाएंगे, या स्टार्ट आपके हो ही जाएंगे लगभग कंप्लीट, यानी 7 तारीख को आपके एग्जाम कंप्लीट हुए और 10 तारीख को आपके रिजल्ट है वो जारी हो जाएंगे 3 दिन के अंदर अंदर। उसके बाद आपके कुछ इस प्रकार से शेड्यूल ऑफ डिस्प्ले मेरिट लिस्ट होने वाली है। मेरिट लिस्ट आपकी कब आएगी, तो मेरिट लिस्ट आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगी 13 तारीख को, उसके बाद फिजिकल काउंसलिंग आपकी 17 तारीख को होने वाली है, फर्स्ट फिजिकल काउंसलिंग। फी सबमिशन आपका 18 तारीख को आप कर पाएंगे। उसके बाद डिस्प्ले वैकेंट सीट आपकी लगेगी 19/7/2023 को, उसके बाद आपकी सेकंड फिजिकल काउंसलिंग होगी जो आपकी 20/7/2023 को होने वाली है, और 21 तक आप अपनी फीस है वो जो है पे कर पाएंगे। उसके बाद थर्ड फिजिकल काउंसलिंग आपकी 25 तारीख को होगी और 25/7 तक आप अपनी फीस है वो भर पाएंगे। उसके बाद आपकी होगी वैकेंट सीट जो आपकी डिस्प्ले होगी ओपन काउंसलिंग के लिए, उसकी आप फीस 28/7 तक भर पाओगे, यानी 28/7 को आपके एडमिशन कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आपकी क्लासेस की बात करें तो आपकी क्लासेस इस प्रकार से लगने वाली हैं 26/7/2023 से, ये आपकी लगभग तो आपकी जुलाई के बाद ही स्टार्ट होंगी, तो जुलाई के अगले मंथ आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। अब भी आपके कुछ डाउट बचे हुए हैं उनके भी अगर हम बात कर ले तो ये कुछ इस प्रकार से आपके हैं। इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, जो आपकी एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन है वो आप रीड कर सकते हो। इसके बाद आपका जो बच गया इंट्रेंस टेस्ट मेरिट लिस्ट, इंट्रेंस टेस्ट में आपका कितने नंबर का क्वेश्चन होगा, क्या क्या पूछे जाएंगे उनकी भी बात कर लेते हैं। तो 100 नंबर का आपका पेपर होगा, 90 मिनट आपको मिलने वाले हैं। एग्जाम में क्या क्या आपका आएगा तो इसमें बता भी रखा है, देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर, 0.25 मार्क विल बी डिडक्ट बाय ईच रॉन्ग आंसर। इसके बाद इसमें बता रखा है द कैंडिडेट हु स्कोर्ड 0 और नेगेटिव तो इंट्रेंस टेस्ट विल बी नॉट बी कंसर्न एडमिशन इफ एनी केस, तो ये इसमें बता रखा है। बात करें इंट्रेंस टेस्ट में आएगा क्या क्या, तो MCOM का जो है MCOM 2 ईयर का, उसमें ये पूछे जाएंगे इतने इतने नंबर के नंबर ऑफ क्वेश्चन होने वाले हैं। उसके बाद MA इकोनॉमिक्स, MA इंग्लिश, क्या क्या पूछा जाएगा वो आप यहाँ पे देख सकते हो। MA ज्योग्राफी, उसके बाद ये MA ज्योग्राफी का ही चल रहा है आपका, ये भी MA ज्योग्राफी, MA हिंदी का आ गया, फिर MA हिस्ट्री, MA जो आपका मैथमेटिक्स है उसका आ गया, MSc फिजिक्स का आ गया, सॉरी MSc का था वो मैथमेटिक्स, MSc फिजिक्स का था। उसके बाद MSc केमिस्ट्री का आ गया आपका, तो ये इसमें बता रखा है क्या क्या पूछा जाएगा, तो ये आप रीड कर सकते हो, नोटिस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। फीस की अगर हम बात करें तो फीस कुछ इस प्रकार से होने वाली है, MA इंग्लिश, MA हिंदी, MA हिस्ट्री, MA पॉलिटिकल साइंस, MA इकोनॉमिक्स की आपकी टोटल फीस होने वाली है 6,440, MA योगा की आपकी 11,440, MSc मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, फिजिकल केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, साइकोलॉजी, मास्टर ऑफ सोशल वर्क की आपकी फीस होने वाली है 12,600 रुपये, यहाँ पर बताई गई है आपकी फीस। उसके बाद PG डिप्लोमा की आपकी जो भी वैदिक की होने वाली है वो आपकी 12,600, MSc मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस की 21,440, उसके बाद MCOM 2 ईयर का जो आपका कोर्स होने वाला है 10,440, MBA की आपकी 37,640, MCA की आपकी 22,640, LLB की आपकी 9,940, उसके बाद आपकी LLB के बाद बी फार्मेसी की आपकी 40,640, बी फार्मेसी के बाद आपकी BHMCT की आपकी होने वाली है 42,640 और
बायोटेक्नोलॉजी और CSE की आपकी फीस होने वाली है 52,640, कुछ इस प्रकार से आपकी फीस है। इसके बाद आपकी बच जाती है जो भी आपकी अदर जो फोरिजन्स हैं उनके लिए, तो उनके फीस यहाँ पर बताई गई डॉलर्स में। उसके बाद आपकी जो कुछ एक माइग्रेशन डिटेल यहाँ पर दी गई है, उसके बाद यहाँ पर बता रखी है आपकी लेट फीस वगैरह बता रखी है आपको 31 जनवरी 2024, ये क्या है ये आप कुछ पढ़ सकते हो। उसके बाद आपके नीचे ये आपका आ गया यूनिवर्सिटी का अटल पुस्तकालय, यहाँ पर आपकी लोकेशन बताई गई है कहाँ पे क्या है यूनिवर्सिटी कहाँ है, तो इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी यहाँ पे बताई गई है। हेल्पलाइन नंबर वगैरह यहाँ पे दे रखे हैं, तो एडमिशन की इंक्वायरी अगर आपको कोई करनी है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर अब भी आपका कोई डाउट है वीडियो एक बार और देख लीजिए, डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे, वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।